वेलकम बैक टू आवर चैनल गुनी सिमी ब्लॉग। सो टुडे आई एम एट माई नानीज प्लेस और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है एंड अगर मैं फ्रंट कैमरा कर रही हूँ अपनी तरफ सो मेरी शक्ल बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। सो आई थॉट ऑफ आपको थोड़ी लाइटिंग दिखा दी जाए। एंड अभी हम लोग एक डिनर पार्टी कह सकते हैं, अभी डिसाइडेड नहीं है कि डिनर करने जा रहे हैं या सिर्फ स्नैक्स खाकर वापस आना है, बट होपफुली जो भी होगा काफ़ी हम इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर अभी फोटो शूट चल रहा है मेरे भाइयों का। आर यू रेडी? यस। कैन आई शो योर आउटफिट? वाओ, यू लुक ग्रेट। ही हैज अ ग्रेट हाइट। हाउ मच इज योर हाइट? 5'10" 5'10" हाय खुशमन, आप तो हमारे काफी व्लॉग्स में आ चुके हैं, आपको सारे लोग जानने लग गए हैं। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज, थैंक यू। कौन बोलेगा? और ये निशांत है, इसके पास तो ये क्या कर रहे हैं? इसकी एक ही आउटफिट होता है, टी शर्ट ट्राउजर, दैट्स ऑल। एंड रेस्ट बाकी सब भी तैयार हो गए होंगे होपफुली। सो लेट्स जस्ट सी। सो शी इज रेडी। आर यू रेडी? दिस इज योर आउटफिट आई हैव शोन। आ जाओ, आप भी आ जाओ। मासी इज ऑल्सो रेडी, दिस इज हर आउटफिट। ये लोग इतना शर्मा रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। आई होप इस बार हमारा व्लॉग ना गुम ना हो। पिछली बार एडिट करके डिलीट कर दी थी मैंने वीडियो गलती से, तो वो कलोल हो गई थी हमारे साथ। मामी इज रेडी, आप अच्छे लग रहे हो आज। सो हमारे मामा जी रेडी हैं, तो आप अच्छे लग रहे हो आज। तो इतनी तो ठंड भी नहीं है जितनी आपने जैकेट्स पहनी है। मोटरसाइकिल पे जाना है ना? क्यों नहीं, गाड़ी में जाएंगे सारे? गाड़ी में पूरे नहीं आएंगे, आ जाएंगे, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट। गाड़ी में ठीक है, चलो। स्मार्ट लग रहे हैं, कह रहे मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। आपकी आंखें तो बहुत अच्छी हैं चश्मा लगाने की, आपको क्या जरूरत है चश्मा नजर से बता। और हमारे नाना जी कहाँ पर है? नाना जी गाड़ी में? गाड़ी में? नाना जी गाड़ी में कब पहुँच गए? चलो स्माइल कर रहे हैं, हमें लगा था डांटेंगे। नानू नानू सुनता नहीं इनको ना, थोड़ा हियरिंग का प्रॉब्लम है, कम सुनता है, पर वो इशारे से बोल रहे। चलो सब गाइज, हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये हमारे ड्राइवर भैया हमें ले आए हैं, थैंक्स टू हिम, इसकी वजह से ही हम आ पाए हैं और हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। एंड नाउ वी जस्ट हैव टू सी कि हमें खाना क्या है, तो मिलते हैं आपको फिर। चल तो नहीं मिला तो हमने सोचा कि पिज़्ज़ा खा लिया जाए, तो एवरीबडी इज एक्साइटेड फॉर पिज़्ज़ा एंड वी आर वेटिंग फॉर आर पिज़्ज़ा। नानू पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, खाते नहीं हैं आई नो। और बाकी ये मार्केट है, एज यू कैन सी ये राजपुरा की मार्केट है। अब ये कौन सी मार्केट है? टाउन? ये राजपुरा टाउन की मार्केट है। सो आर टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा इज हियर और मैं जूम करके फोटो ले रही हूँ, तो शायद थोड़ा अजीब लग रहा है, बट इन रियलिटी बहुत यम्मी लग रहा है। तो मिलते हैं आपको खाने के बाद। और खा पी के हम अपने मेन काम पे आ चुके हैं जो कि है आइसक्रीम। टेस्ट अच्छा है? यम्मी, वो टेस्ट है। और ये फोटो शूट चल रहा था, सबका एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं। सो आप सबको मजा आया? मजा आया, गुस्सा ठंडा हो गया थोड़ा सा? गाइज मेरी मम्मी ना बहुत गुस्सा करती है, अगर आपकी मम्मी भी काफ़ी गुस्से खो रहा है तो आप कमेंट में सबको ज़रूर बताना, हम सबके साथ शेयर करेंगे। और हमें ऐसा लगता है दूसरों की मम्मी गुस्सा नहीं करती, पर सबकी मम्मी करती है, हमें नो आई नो। और ये सबसे कम गुस्सा करती है, इसलिए मेरे मामू भी मेरी मम्मी से डरते हैं। आप क्यों डरते हो मम्मी से? गुस्सा नहीं करती मम्मी? बहुत ज़्यादा। बस
सबसे ज्यादा बोलो, ये पांचों बहनों में से सबसे ज्यादा गुस्सा करती है मेरी मम्मी, इनको ठंडा रहना चाहिए थोड़ा सा। और ये जो मासी है ये भी बहुत बोलते हैं, क्योंकि गुंजन बोलती है कि उसकी मम्मी भी बहुत गुस्सा करती है। आपने कभी गुस्सा नहीं किया? रहन दो रहन दो, हमें सब पता है। ये भी बोल रहे थे अभी, मैं तो बिल्कुल गुस्सा करती ही नहीं, क्योंकि मामी नहीं करती, मामी गुस्सा नहीं करती, बिल्कुल ही गुस्सा नहीं। चलो इनके बच्चों से पूछते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करते है? गुस्सा बहुत गुस्सा करती है। तू बता, बहुत गुस्सा करती है? नहीं, आप कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हो, नो लैंग्वेज बैरियर। मामी बिल्कुल गुस्सा नहीं करती, जल्दी शांत हो जाते हैं। मामा मामे में ज्यादा गुस्सा आंदा है, मामी कंपैरेटिवली घट गुस्सा आंदा है। और तुम दोनों भाइयों में से सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? खेमन तो अपना गुस्सा बाहर बच्चों पे निकाल लेता है, तू बता। अकेडमी मारता मुरता है तू? चलो गाइस, बातें तो होती रहेंगी, अब हमारा घर जाने का टाइम हो गया है। और ये शॉप बहुत अच्छी है, मैं भैया से आपको यहाँ का एड्रेस पूछ के बताती हूँ। भैया आपकी शॉप का नंबर क्या है, एड्रेस? 1552। आप बता दो एड्रेस सबको। और राजपुरा टाउन में है गाइस। मैं ना एड्रेस लिंक में डालूंगी, तो आप यहाँ पर ना जरूर विजिट करना, बहुत अच्छी प्लेस है। और इनके पास बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर है, हमें तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हमने ये वाली आइसक्रीम ट्राई की थी, बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। चलो, तो सारी गली सो चुकी है और अब हम घर आए हैं। एंड इट्स जस्ट 10:30, यू गाइज, आई कांट बिलीव इट, इट्स जस्ट 10:30 PM और यहाँ पे सब लोग सो चुके हैं। मामी, यहाँ पे सब लोग इतनी जल्दी सो जाते हैं क्या? आप भी जल्दी सोते हो ना? पर आप तो 11:30, 11। हाँ, पर यार यहाँ पर सारे सो चुके हैं, एकदम सन्नाटा है। और जस्ट 10:30 हुए हैं, पता नहीं इतना अजीब सा लग रहा है। वरना हमारा घर मेन रोड पे है, वहाँ तो हमेशा हॉकिंग चलती ही रहती है। सो इट्स रियली अ लिटिल वियर्ड टू सी, बट एवरीबडी इंजॉयड। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।